Alright. Mm -hmm. हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है शीशु तो शीशु फिल्म का इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्ज़न फिनिश वर्जन ये सभी जो वर्जन हैं वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप में रिव्यू होने वाला है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फिल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज़ 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरे किया हुआ झलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकिंता जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटी एटी में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सिमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीजें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीजें होती है वही फिल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिकवेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वह उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इकतीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फ़िल्म को नोडिक्स फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कौरपी का रोल प्ले किया हुआ है अक्शेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छे खासी का वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को 17 मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्ट अदर अड्डर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फ़िल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गेरेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन 3.3 यूएस मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पे अपनी पोजीशन हासिल की हुई थी छह यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट वन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को दो हजार बाईस में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था जहां पे 55th फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पर जिस कैटेगरी में काफी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पर शिशु ने अवॉर्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पर जोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पर के जी एल था बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी से पर थॉमस वाइनोगल को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहां पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह से मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज़ है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पर भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सी डी और डीवीडी बेची जा रही है वहीं पे शिसू फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओटी पे देखना चाहते हो तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेज़ के तो शीशु फिल्म को वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज़ 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरेक्वाए जलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकिंता जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक छखा से बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटी एटी में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीजें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीजें होती है वही फिल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिकवेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वह उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इकतीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फ़िल्म को नोडिक्स फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फ़िल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कौरपी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हैनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पर भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी का वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्ट अदर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेरगोड इट्स मी मार्गे करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच

जिस कैटेगरी में काफ़ी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पे शीशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे झर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के तौर पर के को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को अवार्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज़ के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह से मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज़ है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहां पे ओ टी टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पर भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सी डी और डीवीडी बेची जा रही है वहीं पे शिसू फिल्म को अगर आप ऑफिशियली टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेज़ के तो शीशु फिल्म को वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फ़िल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज़ 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरे किया है झलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिर सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकि था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक अच्छे खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं 1982 में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ बनाता है एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तोमिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वह उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से टोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इक्तीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सी वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जो हो वीर लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नोडिक्स फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फ़िल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कौरपी का रोल प्ले किया हुआ है अक्शेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है ममोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे बारह हजार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई एम डी पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई दो हजार तेईस तक का छ पॉइंट एट यूएस मिलियन डॉलर का यू एस से कैनेडा से कलेक्शन निकला हुआ था थ्री पॉइंट थ्री यू एस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अदर टेरिटरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड माइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गे करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच

जिस कैटेगरी में काफ़ी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवॉर्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पे शीशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे झोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के तौर पे के जेल लागेरो को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज़ के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज़ है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहां पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पर भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी बेची जा रही है वहीं पे शिसू फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओ टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजिज़ के तो शीशु फिल्म को वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फ़िल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ झलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकि था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं 1982 में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मूवमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एसएस ऑफिसर है जो वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ ई वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मज़बूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे

रूस ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइनटी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नॉर्थ फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फिल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मेमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को 17 मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अडहर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फ़िल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉर आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गेरेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन थ्री पॉइंट मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पर अपनी पोजिशन हासिल की हुई थी छह यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट वन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस एक सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को दो में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था जहां पे फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पे जिस कैटेगरी में काफी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पे शीशु ने अवॉर्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे झोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पे को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी सेपर थॉम वाइनोगल को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहां पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे यह फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लाइफ में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ज़रूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिकॉल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहां पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज़ करवाया है यूट्यूब पे भी ये फिल्म प्रीमियर व प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी डी बेची जा रही है वहीं पे शीशु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओ टी पे देखना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट से सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के तो शीशु फिल्म को वहां पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेजेस में भी ऑफिशियली कर पाओगे जो दो जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फिल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फ़िल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और टीक क्यों झलमारी हेलेंडर ने झलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक अच्छे खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटीन एटी में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एसएस ऑफिसर है वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इक्तीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जो हो वीर लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइनटी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नॉर्थ फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फिल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्शेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है विमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई दो तक छः पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अदर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड माइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 पॉइंट वन मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गॉड इट्स मी मार्गे रेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में, में चार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले दिन वन पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहां के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हजार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन 3.3 पॉइंट यू मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पे अपनी पोजीशन हासिल की हुई थी छह यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को 2022 में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ गया था, वहां पे जिसके काफी फिल्म ने एवर्ड जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पर शिशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पर झोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पर के जेल लागे को एवॉर्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को अवार्ड दिया गया था तो इस इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेफ में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ज़रूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबल इस सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइंस गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पे भी ये फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी टीवी बेची जा रही है वहीं पे शिसू फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओ टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डिरेक्ट क्यों झलमारी हेलेंडर ने झलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकि जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटीन में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सीक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पर लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सीनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इकतीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जूहो वीरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नॉर्थ फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फिल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कौरपी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेल्ट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टुलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को 17 मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अदर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड माइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉर आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गेरेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन थ्री पॉइंट मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पर अपनी पोजिशन हासिल की हुई थी छह यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट वन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को दो में अलग अलग, अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था जहां पे फिफ्टी फिफ्टी फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पे जिस कैटेगरी में काफी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पे शीशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पे अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी से पर को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहां पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे यह फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेफ लैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ज़रूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन लिया और साथ ही में लोगों को फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहां पर ओ टी टी राइट अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहां पर ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज़ करवाया है यूट्यूब पे भी ये फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सी डी ओ डी बेची जा रही है वहीं पर शीशु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओ टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेजेस में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज़ 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और टेक् क्या हुआ झलमारी हेलेंडर ने झलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब ज़ीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक छखा से बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते है नाइन्टीन में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फिल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सीक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तोमिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इकतीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पर इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फ़िल्म को नोडिक्स no फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फिल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सल हैनी ने इस फिल्म में ब्रोनो हेल्ट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ तो है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पे काफ़ी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई दो तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अडहर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गे रेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहां पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन थ्री पॉइंट मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पर अपनी पोजिशन हासिल की हुई थी छः यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने 10.1 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को 2022 में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था था पे पे फिल्म फिल्म फेस्टिवल में में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था, वहां पे जिस कैटेगरी काफी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पर शिशु ने अवॉर्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पर जोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के तौर पर के जेल लागे को एवॉर्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को अवार्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज़ के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज़ है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबल सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पे भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी डी बेची जा रही है वहीं पे शीशु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी, -टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेज के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरेक्ट किया हुआ है झलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री झोंकि था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं। नाइन्टी में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी नाइन्टीन से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीजें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीजें होती है वही फिल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेज निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेज बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वह उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट जुर्मा टोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सीमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इकतीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइनटी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नोडिक्स फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फिल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हैनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फ़िल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया वहां पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी थी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे बारह हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को AMD पे जिसमें की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई दो तक का छ पॉइंट एट यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था थ्री पॉइंट थ्री यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से अड्डर टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फोरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गे रेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच

जिस कैटेगरी में काफ़ी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवॉर्ड जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पे शीशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे झुरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के तौर पे के जेल लागेरोज़ को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेफ में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज़ है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबल सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पर भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी डी बेची जा रही है वहीं पे शीशु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओटी टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी, -टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेज़ के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डिरेक्ट किया है झलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिर सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकि था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक अच्छे खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटीन में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी नाइनटीन से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए है जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तोमिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एसएस ऑफिसर है वह उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तो का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, थी। फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सीमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इक्तीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नोडिक्स फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पर भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को 17 मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्ट अडर अड्डर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फ़िल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गेरेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन 3.3 यूएस मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पे अपनी पोजीशन हासिल की हुई थी छह यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट वन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को दो हजार बाईस में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था जहां पे फिट जेस फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पर जिस कैटेगरी में काफी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पर शिशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पर जोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पर के जेल लागेरो बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी से थॉमस वाइनोगल को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज़ है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहां पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पे भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी बेची जा रही है वहीं पे शिसु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेज़ के तो शीशु फिल्म को वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फ़िल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज़ 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरेक्ट किया है जलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिर सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री झोंकि रंता जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक अच्छे खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं 1982 में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी नाइनटीन से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीजें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ बनाता है एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट सेट किए हुए है जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एसएस ऑफिसर है वह उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ की वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मज़बूत नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सिक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इकतीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन, वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जूहो विरोल लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नोडिक्स फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फ़िल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कौरपी का रोल प्ले किया हुआ है अक्शेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है ममोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्ट अदर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गे रेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच

जिस कैटेगरी में काफ़ी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवॉर्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पे शीशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे झोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के तौर पे के जे एल को एवॉर्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज़ के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लाइफ लाइन में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स एमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहां पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइंस गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पर भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी बेची जा रही है वहीं पे शिसू फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओ टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहीं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के तो शीशु फिल्म को वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेजेस में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फ़िल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरे किया हुआ है झलमारी हेलेंडर ने जलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकि जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटीन में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मूवमेंट्स सेट किए हुए जो एक्शन सिकवेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तोमिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एसएस ऑफिसर है जो वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मज़बूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इक्तीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे ने की हुई थी एडिटिंग जो हो वीर ने की हुई थी जिन्होंने नाइनटी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नॉर्थ फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कौरपी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म को आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को 17 मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अड्डर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वर्ल्डवाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फ़िल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गोड इट्स मी मार्गेरेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज़ हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन 1.4 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन थ्री पॉइंट मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पर अपनी पोजिशन हासिल की हुई थी छह यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट वन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस एक सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को दो में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था जहां पे सीट जैसे फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पर जिस कैटेगरी में काफी सारी कैटेगरी में फिल्म ने अवार्ड्स जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पर शीशु ने अवर्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पे झोरमा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पे अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी से पर थॉमस वाइन को एवॉर्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज के बाद भी फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहां पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहां पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ज़रूर इस फिल्म का सिकवॉल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबली सिकॉल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फ़िल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने ख़रीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज़ करवाया है यूट्यूब पे भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी डी बेची जा रही है वहीं पे शीशु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली ओ टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजिज़ के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज़ में भी ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फ़िल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डेरेक्ट किया है झलमारी हेलेंडर ने झलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक अच्छे खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर होकर बनाई है ऐसा कह सकते नाइनटीन एटी में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो है के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी नाइन्टीन फोर्टी फोर से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट सेट किए हुए जो एक्शन सिक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तो मिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पे लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एसएस ऑफिसर है जो वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ों इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इक्तीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पे इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जो हो वीर लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी वन मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नॉर्थ फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया <दिट्रिकुण Country> हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज़ में अलग अलग फ़िल्म को रिलीज दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्शेल हैनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेलड्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है ममोसा विलमो ने इस इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यूएस और वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को करीबन 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे 12000 हज़ार वोट मिले हुए थे फिल्म का आई पे जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था फिल्म को सत्रह मई दो तक छे पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से अदर टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 पॉइंट यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन 900 थिएटर में यूएस और कनाडा में रिलीज किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गॉड इट्स मी मार्गे रेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हजार यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन 3.3 यूएस मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पे अपनी पोजीशन हासिल की हुई थी छः यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को 2022 में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था वहां पे जिस के काफी सारी के ने एवॉर्ड जीते हुए बेस्ट फिल्म के तौर पर शिशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पर झोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पर केजेल को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को अवार्ड दिया गया था तो इस इस तरह से फिल्म की रिलीज़ के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेपलैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यू, यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबल सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शिशु फिल्म ने इस तरह से काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो अभी फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पर भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी डी बेची जा रही है वहीं पे शिसू फिल्म को अगर आप ऑफिशियली टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी, -टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेज में भी ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कह सकते हैं क्योंकि फ़िल्म को टोरंटो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था उसके बाद में फिनलैंड में फिल्म को 2023 में रिलीज़ किया गया जनवरी में 27 जनवरी को और बाद में 28 अप्रैल को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अलग अलग टाइम के साथ रिलीज़ किया हुआ था इस वजह से पहली रिलीज 2022 की थी तो ये एक 2022 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म कह सकते हैं जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है झलमारी हेलेंडर ने झलमारी हेलेंडर ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें की हुई है इस फिल्म को सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट स्टेज सिक्स फिल्म और गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोड्यूसर थे पेट्री जोकि था जिन्होंने इस फिल्म को करीबन छः मिलियन यूरो में बनाया हुआ था तो एक अच्छे खासे बजट में बनी हुई फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया हुआ था फिल्म का जो रिस्पांस था वो कुछ अलग ही लेवल पे था इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड होकर बनाई है ऐसा कह सकते हैं नाइनटीन में जो फर्स्ट ब्लड एक रियल लाइफ फिनिश मिलिट्री स्नाइपर सीमो हैना के अगेंस्ट जो रेड आर्मी के अगेंस्ट फाइट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी कहानी को डेवलप किया हुआ है फिल्म की कहानी 1944 से स्टार्ट की गई है किस तरह से एक एजेड व्यक्ति दिखाया हुआ है वो किस तरह से अपने गोल्ड को बचाता है उसको कैसे वो सभी चीज़ें मिलती है आगे जाके कहानी में क्या सभी चीज़ें होती है वही फ़िल्म की कहानी में इंटरेस्टिंग मोड बनाता है ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है लेकिन इसमें एक्शन के साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट्स सेट किए हुए हैं जो एक्शन सीक्वेंस है वो लाजवाब है जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सभी चीज़ों को हमने हमें हमारे सामने स्क्रीन फिल्म दिखाया वो बढ़िया है एक्शन के पीछे जो इमोशंस है वो भी बढ़िया थे एक्शन सिक्वेंस की बात करें तो जो एक्टर थे झोमरा तोमिला झोरमा तो मिला उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाई वो बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी पूरी फिल्म को वो अकेले अपने कंधे पर लेके चलते इस फिल्म में कहानी में गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फॉलो की हुई है उसे सिक्योर करने के लिए उस वो कोई चोरी ना कर ले गोल्ड को उसके लिए जिस तरह से जो जर्मन देश कोर्ट है जो ब्रुटल एस एस ऑफिसर है वो उसको चला रहा है तो उसके अगेंस्ट से जुर्मा तोमिला का जो किरदार है वो खड़ा रहता है किस तरह से उसके सामने फाइट्स करता है उसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो काफ़ी बढ़िया है तो ये सभी चीज़ इस वजह से फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है जहाँ पे डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी फिल्म की राइटिंग काफ़ी मजबूत नज़र आती है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी सिनेमेटोग्राफर ने काम बढ़िया किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एक्शन कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी फिल्म की एक्शन वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है फिल्म की मेन मेजर प्लस पॉइंट में शामिल होता है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को सिर्फ नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था एक घंटे और इक्कीस मिनट की फिल्म थी फिल्म में कोई वर्गर वर्गर सीन वर्गर या कोई न्यूडिटी वाले सीन नहीं थे लेकिन फिल्म को जिस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से बनाया था वो काफ़ी कनेक्टेड और एंगेजिंग लगती है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है जिस तरह के सीन आते उसको बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज भी बढ़िया थी जहाँ पर इसको जलमारी हेलेंडर ने लिखा और डरेक्ट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लेगे रूज ने की हुई थी एडिटिंग जो हो वीर लेन ने की हुई थी जिन्होंने नाइन्टी मिनट का रन टाइम दिया हुआ था इस फिल्म को फिनिश लैंग्वेज में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फ़िल्म को नॉर्थ फिल्म ने नोडिक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था लायंस गेट वालों ने नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सोनी पिक्चर्स वालों ने इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फ़िल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म के आर्टिस्ट के ऊपर तो फिल्म में लीड रोल में जोरमा तोमिला देखने को मिलेंगे जिन्होंने आतामी कॉर्पी का रोल प्ले किया हुआ है अक्सेल हेनी ने इस फिल्म में ब्रूनो हेल्ट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है जेक टूलान ने इस फिल्म में वॉल्फ का रोल प्ले किया हुआ है मिमोसा विलमो ने इसमें आइनो का रोल प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला ने शर्ट्स का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात कर लेते इस फिल्म की रिलीज के ऊपर कब रिलीज़ की गई थी इस फिल्म को 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था 2021 में 9 सितंबर 2022 में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उसके बाद में इस फिल्म को फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी वाह वाह बटोरी हुई थी बाद में यू और वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जहां पे 12 हजार वोट मिले हुए थे फिल्म का एमडी पे, जिसमें सात मिनट एक की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी रन दिखाया हुआ था। फिल्म को 17 मई 2023 तक का 6.8 यूएस मिलियन डॉलर का यूएस से कनाडा से कलेक्शन निकला हुआ था 3.3 यूएस मिलियन डॉलर अदर टेरी से कलेक्टर अड्डर टेरी टेरी से कलेक्शन करवाया हुआ था तो वर्ल्ड माइड का कलेक्शन था वो करीबन 10.1 यूएस मिलियन डॉलर हुआ था इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे फिल्म को करीबन नाइन थिएटर में यू और कैनेडा में रिलीज़ किया हुआ था इसके साथ बिग जॉर्ज फॉरमैन आर यू धेर गॉड इट्स मी मार्गे रेटा करके फिल्म थी वो दो रिलीज हुई थी उसके सामने इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पहले वीकेंड में चार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने पहले ही दिन वन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे के जो नाइट रिव्यू थे उसमें पाँच लाख पिचासी हज़ार यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने अपना डेब्यू था वो करीबन 3.3 यूएस मिलियन डॉलर का किया हुआ था और जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन हुआ उस हिसाब से फिल्म ने आठवें नंबर पे अपनी पोजीशन हासिल की हुई थी छः यूरो मिलियन में बनी फिल्म ने टेन पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की हुई थी इस फिल्म को 2022 में अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया हुआ था पे फिट फिल्म फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया था वहां पे जिसके काफी फिल्म ने एवॉर्ड जीते हुए थे बेस्ट फिल्म के तौर पर शिशु ने अवार्ड जीता हुआ था बेस्ट एक्टर के तौर पर जोर्मा टोमिला को अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के तौर पर के जेल लागे एवॉर्ड मिला हुआ था बेस्ट म्यूजिक के तौर पर जूरी सेपर थॉमस वाइनोगल को अवार्ड दिया गया था तो इस तरह से फिल्म की रिलीज़ के बाद भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन भी किया था उससे पहले जितने भी फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जहाँ पे ये फिल्म है इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कोई और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन कोविड के बाद उन्होंने अचानक इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था 2021 में नोरगाम विलेज लेफ लैंड में इसको शूट किया हुआ था 6 मिलियन यूरो में और जिस तरह मैंने कहा कि 1982 में जो फर्स्ट ब्लड है उससे कॉन्सेप्ट कौ, यूज़ करते हुए इस फिल्म को क्रिएट किया गया था और फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वही फिल्म का सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ था वैसे फिल्म रिलीज होने के बाद जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तब मेकर्स ने कहा था यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने मार्च 2023 की बात है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जरूर इस फिल्म का सिक्वल लाएंगे जहाँ पे उनके पास कुछ आइडियाज है वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसका हो सके तो पॉसिबल सिक्वल लाने की कोशिश करेंगे तो शीशु फिल्म ने इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भी रन लिया और साथ ही में लोगों को ये फिल्म भी पसंद आई थी उसके बाद में फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे ओ टी टी राइट अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म वहाँ पे ही अवेलेबल है अब बात करें इस फिल्म को कैसे देख सकते हो इस फिल्म को अलग अलग लाइन्स गेट वालों ने रिलीज करवाया है यूट्यूब पे भी फिल्म प्रीमियर प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट का है तो सोनी लाइन्स गेट वाले द्वारा भी इस फिल्म की सीडी और डीवीडी डी बेची जा रही है वहीं पे शिसु फिल्म को अगर आप ऑफिशियली टी टी पे देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शीशु फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना ही है तो वो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा उनके पास राइट्स है सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के तो शीशु फिल्म को वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी के साथ दूसरी सभी लैंग्वेजेस में भी ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गए शीशु फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिट लिंक दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू